इस घोर कलयुग में मनुष्य अपनी आत्मा को खो बैठा है, अपने परमात्मा को भूल गया है। चार दिन के सुख के लिए उस दुनिया में क्या होगा उसका कभी विचार तक नहीं करता। याद रखो, धर्मी और पुण्यशाली स्वर्ग में जाएगा और धर्मी और पापी नरक में जाएगा। पापी, पुण्यशाली, नरक। ए रजुआ, पंडित जी की बातों का मजाक उड़ाता है। ए नास्तिक, तू यहां क्यों आया है? मैं तो पंडित जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। श्रीमान, जिस दुनिया को आपने देखा नहीं उसकी बातें तो आप हमें समझा सकते हैं, मगर इस दुनिया की बातें क्यों नहीं समझाते? इस दुनिया के मोह जाल से बचो तो उस दुनिया में स्वर्ग का सुख पाओगे, स्वर्ग का। अच्छा, तो आप हमें वादा करते हैं कि उस दुनिया में हमें सब कुछ मिलेगा अगर हम भूखों पेट नंगे बदन आपकी सेवा करते रहे, आपको भेंट चढ़ाते रहे? क्यों पंडित जी? मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, धर्म की हस्ती उड़ाने में, नास्तक कहलाने में आजकल का नौजवान अपनी शान समझता है। श्रीमान, हमें कब तक पुराने ख्यालों में उलझाए रखोगे? जिसे तुम प्रगति कहते हो, जानते हो वो तुम्हें कहां ले जा रही है? एटम बम की तरफ, बर्बादी की तरफ। और आप हमें 3000 साल पीछे धकेल रहे हैं, हमें जागने ही नहीं देते, हमारी आंखों पर श्रद्धा की पट्टी बांधकर हमें अंधा रखना चाहते हैं। साथी नरक में जगह भी नहीं मिलेगी। यही तो बात है, स्वर्ग से ललचाते हैं और नरक से डराते हैं। हमारे जिंदगी के 4 दिन बाकी है, दो बोल धर्म के सुनने तो दे। हाय हाय, सुन लो ना, जी भर के सुन लो। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे बाकी के 4 दिन आज ही पूरे हो गए तो क्या हो जाएगा? अंधेर हो जाएगा। तो तू क्या हमारी मौत चाहता है? जो मौत के किनारे खड़े और उसके बाद क्या होगा उस फिक्र में अभी से मरे जा रहे हैं, इसकी चिंता मैं क्यों करूं? मैं तो पूछता हूं आप सबसे और इन श्रीमान पंडित जी से, नन्हे बच्चों की जिंदगी पर अभी से पाप और पुण्य का बोझ क्यों लाद रहे हैं आप? सिखाओ इन बच्चों को जिंदा कैसे रहना, सिखाओ इन्हें जब इस स्वार्थी और बेरहम दुनिया में ये चारों तरफ से घिर जाए तो ठोकर मार के फिरना। खैर नहीं, मर्द बनाओ इन्हें, बुजदिल नहीं बहादुर बनाओ, समझे? बहादुर का बच्चा, निकल यहां से, निकल। सब भाग गए। चलो मेरे साथ। राजू, क्यों हमेशा अपने सर पे नई नई आफत मोल लेता है? क्या करूं राजा, देखना कुछ तो ये लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ मैं गड़बड़ करता हूँ, जब मैं इनसे मिलता हूँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। देख, मैं कह देता हूँ, तेरी इस गड़बड़ की बुरी आदत से एक न एक दिन तू जरूर हमारा मेहमान बनेगा। अरे राजा, कौन तेरा मेहमान नहीं बनेगा? खैर वो छोड़, ले सिगरेट पी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। फर्स्ट क्लास पीना आती, अरे मिलता का? अरे तू देख 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 राजा पी ले। अरे Thank you.
आ गया। किसने बुलाया तुझे? बाहर ने। यहाँ तालाब घाट पर तू जहाँ बहाती है वहाँ सिंगार भी आ जाता है। जा जा, चला जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। क्यों, क्या हुआ मेरी सूरत को? लोग कहते हैं राजू चोर है, शराबी है, जुआरी है, जाने वाली की गलियों के चक्कर काटता है। राजू तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे पगली, ठग और डाकुओं की दुनिया में सुधरे वो सज्जन भीख मांगते हैं, रोते हैं। तो तू भी ठग और डाकू बनेगा? नानी दुनिया देखती है पर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कैसे दिखाई देगा, मैं तो अंधी हूँ। अरे मैं तो राजू की बात कर रहा हूँ, वो बदमाश लच्छी को बहकाता है। अगर उसने यहाँ पाँव रखा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। मगर लच्छी के पाँव तो उसके घर तक पहुँचते हैं। लच्छी आ गई। राम राम नानी। लच्छी कल से राजू के यहाँ दूध देने नहीं जाना। मुँह एक कलवे ने कान भरे होंगे, सबको दूध उधार देती है। क्यों दादा सिगरेट पियोगे? फर्स्ट क्लास, पीला हाथी एक नंबर, धुआंधार बस। अरे रे रे रे, हत्तेरी की, वक्त पे डिबिया हमेशा खाली रहती है, क्या करूं दादा। अभी ला एक पीला हाथी फर्स्ट क्लास नंबर वन। लीजिए। लेकिन राज साहब पिछला हिसाब। हिसाब? अबे हिसाब कैसा, किसी का था जो तेरा हिसाब रखेंगे? और फिर मालूम नहीं अपने बाप की दुकान है। हिसाब बाप की दुकान है? क्या तुम सब इसके बाप हो? आराम से आराम से, आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपके लिए खास लखनऊ से मंगवाया है, हिना, मुश्ती अंबर, गुलाब, चमेली, क्या दूं? चमेली चमेली लीजिए। राजू साहब हिसाब दीवारी के पास। क्या हिसाब है राजू का, दिन रात सिगरेट फूंकता रहता है। होगा कोई दो ढाई रुपए। दो ढाई रुपए? दस दिवाली आएगी जाएगी, फिर भी हमारे राजा साहब के कान में इतर लगा रहेगा। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। क्या पसंद है? दाद देता हूँ आपकी पसंद की, खास लखनऊ से मंगवाया है आपके लिए। मना किया फिर भी उधार दे देते हो, क्या हिसाब है राजू का? पांच रुपए दस आने। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। मगर इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं इसकी, कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मिला के नहीं, पता नहीं क्या करती। आधा वर्ष राजू, गजरा तैयार है। चमेली का इतर, गुलाब का गजरा और पीला हाथी। राजू हिसाब? अरे हिसाब तो दस दिवाली बाद होगा। ये अच्छी कल तुमने। अरे बाप रे, क्या हुआ? कौन मुसीबत? क्या हिसाब है राजू का? तू कौन होती है पूछने वाली? तेरी अम्मा। वो क्या हिसाब है तेरा? तेरी जितनी पूंजी है जानती हूँ मैं, तेरे डोरे उस पर लगे हुए हैं, आंखें नोच लूंगी तेरी। तो क्यों बांध कर नहीं रखती अपने भैंसों के साथ? हैं? तेरी ये मजाक, जबान नोच लूंगी कल मुही कहीं की बिल्ली की बच्ची। अरे जानती हूँ। अंधा तेरा बाप। कबे क्या है? छोड़ दे, हाथ क्यों पकड़ता है? मैंने कोई गुनाह किया है? गुनाह के बच्चे, जरा तमीज से बात किया कर, हमेशा क्यों झगड़ा करता है? राजू तू बड़ा दिलेर है, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या हुआ राजू? खून।
मेरी बात तो सुन। क्या क्या सुनूं? दुनिया सुनाती रही, कुछ नहीं मानी, पर अब तो अपनी आंखों से देखती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच कहता हूँ लच्ची, चमेली तेरी जूती के बराबर है, तू ही मेरी दुनिया है। झूठ। सच्ची, तू ही मेरी जिंदगी है। अरे मेरी जिंदगी है तू, मुझको तेरी दोस्त जू। मेरी जिंदगी है तू, मुझको तेरी दोस्त जू। आजा तेरे हाथों में, आजा तेरे हाथों में, इश्क की है आबरू, इश्क की है आबरू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी दोस्त जू। तो रानी साहिबा ने गुलाम के खर्चे का भी इंतजाम कर दिया। मैंने सोचा पान सिगरेट इतर उधार खाता हूँ, सबका कर्जा देना है, मगर चोर या दिवालिया नहीं, समझी? सबका कर्जा वापस कर दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा। वो तो मैंने चुका। अच्छा, तो अब बाजार में भी ऐलान कर दिया कि लच्छी कमाती और राजू खाता। तू तो हमेशा सीधी बात को उल्टा कर देता है। माना कि मैं पोस्ती निकम्मा बेकार हूं, मगर तेरी नानी का घर जवाई नहीं, समझी? होगा क्यों? इसलिए कि दो पैसे कमाने के लिए ना धंधा रोजगार करेगा ना इधर कभी बसेगा। बसाएंगे, जिंदगी भी तो जुआ है। जुआ तो दाव खेल ले। किसके साथ? मेरे साथ बैठ। लेकिन शर्त क्या होगी?
मैं हारूं तो तेरा हुक्म चलेगा और तू जीते तो एक दो एक दो तीन चार पाँच छह मारा। अच्छा तू जीती, बोल क्या हमको। कल से कुछ काम धंधे का सोचो। काम धंधा? हाँ हाँ सोच लिया। निकाल 10 रुपए फटाफट। 6, 7, 8, 9, 10 कर। ले ले गोरी पहन ले चोरी, गोरी गोरी कलाई में काली काली चूड़ियां हो गोरी। ले ले गोरी चूड़ियां, नीली पीली काली पीली काली पीली नीली पीली काली पीली काली पीली चूड़ियां। ले ले गोरी देगी सब गहने बहने, हाथ में कूगर नरगिस पहने। फेंक देगी सब गहने बहने, हाथ में कूगर नरगिस पहने। सास रोके या टोके तो चोरी चोरी, सास रोके या टोके तो चोरी चोरी। ले ले गोरे पहन ले चोरे, गोरी गोरी कलाई में काली काली चूड़ियां हो गोरे, हो गोरे। भरी रहेगी मांग तुम्हारी, फूल पहनो मीना कुमारी। भरी रहेगी मांग तुम्हारी, फूल सी पहनो मीना कुमारी। ले जा वरना पहना दूंगा जोरा जोरी, हाँ समझे ना। ले जा वरना पहना दूंगा जोरा जोरी। ले ले गोरे पहन ले चोरे, गोरी गोरी कलाई में काली काली चूड़ियां हो गोरे, हो गोरे। जैसे फूलों की डाली आजा पहन ले गीता वाली, हाँ। तुम्हेंगी जैसे फूलों की डाली आजा पहन ले गीता वाली। सैया मानेंगे सब बातें गोरी तोरी, हाँ। सैया मानेंगे सब बातें गोरी तोरी। ले ले गोरे पहन ले चोरे, गोरी गोरी कलाई में काली काली चूड़ियां हो गोरे, हो गोरे। चूड़ियां नीली पीली काली पीली काली पीली नीली पीली काली पीली काली पीली चूड़ियां। दस से 20 रुपए जुआ खेला क्या? अरे धंधा किया धंधा। किस चीज का व्यापार किया? किसी ने 2 दर्जन नरगिस मांगी, 1 दर्जन सुरैया मांगी। किसी ने मधुबाला को पसंद किया, किसी ने नूतन को पसंद किया। फोटो बेचता है क्या? अरे नहीं, बंदर ने एक बड़ी अजीब तकलीफ रखी है। सुतर अभी जगा दो। ये देख, नीली का नाम रखा है नरगिस, पीली का नाम रखा है सुरैया, लाल है मधुबाला और हरी है नूतन। बोल कौन सी पसंद है तुझको? ला पहनो। ये लाल, कल
जब मैं कामनी की कोमल कलाई को यूं मसल मसल के चूड़ी पहना रहा था तो वो यूं देख रही थी मेरी तरफ टिकटिकी बांधकर, और श्यामा उस बड़ी चिलबुली है कि मुझे तो गुदगुदी होती, मुझे तो गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती होगी। ये क्या किया तुमने? हमें ये धंधा पसंद नहीं। क्यों? ये कमाने का नहीं, लड़की की कलाई पकड़ने का धंधा शुरू किया। तो क्या बुरा धंधा है? अरे आजकल औरतें ही तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया करती हैं, मर्द तो सुसरे सबके सब करके हैं। कोई दूसरा धंधा सोचो। बेकार हो जाऊंगा कल से। मुझे मंजूर है। अरे यूं मंजूर की लगती, मैं कोई बंदर नहीं, जैसा जी चाह वैसे नचा लिया, समझी? राजू, जब मैं ख्याल करती हूँ कि तू मधुबाला की गोरी गोरी कलाई को मसल कर रंगीन सामा हसीन नूतन, मेरा कलेजा फट जाता है। तो फट 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 फटने दे, तेरी इन बातों से मेरा भेजा चकरा जाता है। चकराने दे। तेरा मतलब है तेरी हर बात मुझे माननी पड़ेगी? नहीं, मेरा हुक्म मानने की। अरे हुक्म की बेगम, तू ख्याल कर मैं मर दूं? तो मर्दों जैसा धंधा कर। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात है। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, निकल जा यहाँ से। निकल जा, तू मेरा दिल तोड़ेगा, अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। ए, आंखों में पानी लाकर काम निकालने वाली इस तरकीब को मैं खूब जानता हूँ, चली जाए यहाँ से। बेरहम, तेरा दिल पत्थर का है। तो क्यों टकराती है इस पत्थर से? टूट जाएगा तेरा। अब बाकी क्या रह गया?
जरूरी काम है। मगर नानी ने तुझे देख लिया तो? हा? नानी देख सकती? तू चला जाए यहाँ से, मुझे बहुत काम है, अभी तो घास चारा डालना बाकी। अरे सुन तो। ये बेमे क्या कर रहा है? ये भी भूख लगी है, चल ले खा ले। काम की बात तो करने आया था, मगर तू सियानी सुने जब तो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जा यहाँ से। ना सुन, जब तू मेरे पांव पड़ेगी, हाथ जोड़ेगी, फिर भी नहीं। लच्छी, ओ लच्छी। नानी, ओए मां मर गई मैं। अरे बैरी सुनती है? क्या है नानी? कौन चिल्ला रहा था? राजू है ना मुआ? राजू? वो मुआ यहाँ आकर क्या करेगा नानी? राजू की आवाज मैं कोसों दूर से पहचान सकती हूँ। राजू यहाँ मुआ। नानी जी गोल लागू। नानी मैं तो लच्छी से ये कहने आया था कि शहर से आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर आने वाला है। हाँ अगर डॉक्टर आया भी तो फीच को रुपए कहाँ है? अरे मेरी नानी तू फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। हाँ पाजी दूध तो तू उधार लेता है। जमा करता हूँ नानी, सब पैसे एक साथ दे दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा, सच। नानी मैं दूध देने जा रही हूँ। पाई लागू नानी, मैं भी चला। नानी मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, 5,000 होते हैं 5। घर और सब जानवर तो तेरे पास गिरो रखे हैं ना? हाँ घर तो घर जमाई के पास रहेगा ना। किसके पास? राजू के पास। 3 दिन में रुपयों का बंदोबस्त कर लेना, वरना लच्छी का हाथ मेरे हाथ में सौंप देना पड़ेगा। मैं लच्छी से पूछूंगी। हाँ और लच्छी राजू से पूछेगी। याद रखना 3 दिन में रुपयों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये सब नीलाम हो जाएगा, समझी? समझी। दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा रहता है। अरे तेरा इंतजार करते करते ही तो आग लग गई। अब तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। क्या मतलब? मुआ कलवा आया था कल नानी के पास। क्यों? कहता था अगर 3 दिन के अंदर उसके 5,000 का कर्जा नहीं लौटाया तो नानी मेरा हाथ उसके हाथ में दे के यूं यूं कर देगी। तो यूं यूं के बच्चे को मैं यूं यूं कर दूंगा। छोड़, मवाली बने से काम नहीं चलेगा, कुछ मतलब की बात कर। मतलब 5,000 रुपया और 3 दिन में? हाँ हाँ 3 दिन में। कहाँ से लाऊं? चोरी करूं? डाका डालूं? लॉटरी डालूं? जो जी चाहे कर। पर सुन तो, देख मैं सच कहता हूँ, लच्छी लच्छी। राजू बेटा मोहब्बत करो और मरो। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। मोहब्बत का सहजा तू आग के दरिया में बह जा,
रहती है जो दुनिया कहने दे, तू जलते जलते ये कह जा जो जल मरते हैं दीवाने, जो जल मरते हैं दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले, तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। प्यार नहीं है हर जाई, तू सौदाई है सौदाई, मरने में है शान मोहब्बत की, जीने में है तेरी रुसवाई रुसवाई, मरते नहीं जल कर परवाने, मरते नहीं जल कर परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। ए, पगली, 5,000 रुपए की बात है ना, हाँ सुबह तक ला दूंगा, रखी क्यों है? हाँ हाँ 5,000 आज ही, कोई तरकीब नहीं राजू भैया। मदद कर सकोगे दोस्त? मुझे 5,000 रुपया चाहिए। 5,000? मैं अगर अपने बाप दादों की मिल्कियत गिरवी रख दूं राजू, तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं इकट्ठी कर सकता। शादी के लिए 5,000 रुपया चाहिए, हर दोस्त से मदद मांगी, ससुरे सबके सब करके निकले, चमेली किसी के पास फूटी कौड़ी तक नहीं, मगर एक के पास है, बहुत रुपए जमा किए हैं। किसके पास है? वो देगा मुझे? क्यों नहीं, तेरी शादी की बात है तो जरूर देगा। अच्छा तो पता, अभी पहुंचा उसके पास। अरे आ तो गए हो उसके पास। तेरे पास 5,000 रुपए? हाँ राजू मैं जरूर दूंगी, मगर गहने कपड़े मेरी पसंद के होंगे। गहने कपड़े तेरी पसंद के? दुल्हन के लिए जो बनेंगे। चमेली ये रुपए तो मुझे कर्ज चुकाने के लिए चाहिए, शादी के लिए नहीं। अरे वो कलवा बदमाश है ना, उसका कर्ज चुकाना। अरे तभी तो नानी मुझसे शादी की बात तय करेगी। नानी शादी किसके साथ होगी? लच्छी के साथ। मेरे रुपए से? विश्वास रख चमेली, मैं तेरी पाई पाई चुका दूंगा। पाई पाई वाला निकल यहां से, मुझे धोखा देने आया था। एक धक्का। झूठा कहना। तू माने नहीं, पैसे तो वो देने लगी थी। तो क्यों नहीं ले लिए? एक शर्त थी कि शादी के गहने कपड़े उसकी मर्जी के। तो वो कबूल कर लिया होता। मगर एक और अर्थी ना भी उससे होगी। चुड़ैल कहेगी, मैं भी उस बंदर ने देखे देखे। अभी नहीं, फिर किसी दिन। सुन तू ले। ओहो राजू, मुद्दत के बाद हासिल हुए। यूं ही चला आया राणा। किस्मत आजमाओगे? काम कर दो जिंदगी भर तुम। 5,000 की रकम चाहिए राणा। जायदाद या जेवर? अगर होता तो यहां क्यों? ये कोई धर्मशाला है या तक्षशाला है? दोस्त समझकर तो तुम्हारे पास आया था। चाहे तो 50 रुपए का काउंटर सुधार ले लो। दाव तो लगाना ही पड़ेगा।
कोई आदमी बैग लेकर इस तरफ भागा है? जी हाँ, एक नौजवान सा था, उसने मुझे टिकट भी नहीं बताई। ये मेरे नोट है, हाथ मत लगाइए। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। शुक्रिया, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। शांति। जल्दी किस बात की? परेशानी क्यों? कहां तक जा रहे हैं आप? जहां ट्रेन ले जाए। टिकट तो ली होगी किसी स्टेशन की। आप टिकट कलेक्टर तो नहीं है? दिखते तो है कुछ साधु स्वामी जैसे। मैं कोई साधु या स्वामी नहीं, मैं तो एक प्रचारक हूं। प्रचारक? हां, अपने विचारों को मैंने इन पुस्तकों में लिख रखा है और इनका प्रचार करना चाहता हूं। अगर आप मदद करें। लग गई ना रुपए पे नजर? जी नहीं, मेरा जो ध्येय है वो मैं आपको थोड़े से बोलों में समझाना चाहता हूं, अगर आप सुने तो। सुन लेंगे जब तक ट्रेन किसी स्टेशन पर ना रुके। मैं कोई धर्म प्रचारक नहीं, इसलिए ना मेरा झगड़ा है आस्तिकों से जो सिर्फ श्रद्धा से ही धर्म में मानते हैं, ना मुझे नफरत है नास्तिकों से जो किसी में नहीं मानते। अजीब बात है, आपका कौन सा धर्म है? मानवता का। देखो तो धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य से दूर भागने लगा है। पूजा पाठ की अलग अलग रीतों से भगवान एक के अनेक बन गए हैं। अरे हम तो एक में भी नहीं मानते। जानता हूं, आजकल का नौजवान साइंस में मानता है और साइंस ने सिखाया है जिसका प्रमाण नहीं, जिसका सबूत नहीं, उसकी कोई हस्ती नहीं। प्रमाण, सबूत, हस्ती। हम दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती, फिर भी इतने एक साधु के कपड़े पहन रखे, इसलिए लोग समझेंगे कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं। और अगर मैं ये लिबास पहन लूं, तो क्या लोग मानेंगे कि मैं भी बड़ा साधु पुरुष हूं? जरूर, आंख या दिमाग को जो बात जग जाती है उसी में हम मानने लगते। तो क्या एक साधु शैतान और एक पापी महात्मा बन सकता है? थोड़ी देर, मगर आखिर
बर्ताव और बानी से सच्ची बात का पता चल ही जाता है। बर्ताव तो आसान है और बानी, बानी तो इन पुस्तकों से सीखी जाती है। इसी समझ में तो आजकल के नौजवान जंगल में अंधेरे में मंदिर काट रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, ना रोशनी है ना राह पर। तो आप ही बन जाइए राह पर, हाथ में रोशनी लेके रास्ता दिखाइए। यही सेवा करने के लिए तो मैं निकला हूं। सत्यानंद की जय। बोलो स्वामी सत्यानंद की जय। स्वामी सत्यानंद की जय। महाराज सत्यानंद की जय। सज्जनों, महापुरुष श्री सत्यानंद जी का आज हमें पहली बार दर्शन होता है। स्वामी जी के नाम और काम की तारीफ मुल्क भर में गूंज रही है। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से स्वामी जी ट्रेन के अकस्मात में बाल बाल बच गए हैं। आज का दिन आराम करने की हम इनसे विनती करेंगे। जब स्वामी जी यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम इनसे दो बोल जरूर सुनेंगे। स्वामी जी, प्यारे मेहरबान कदरदान भाइयों बहनों, दुनिया गोल गोल फिरती है और घूम फिर के मुसाफिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। समझ में नहीं आता मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए आप लोग इतना मान क्यों कर रहे हैं। सच पूछो तो मैं कोई साधु महात्मा नहीं, मैं तो पापी हूं। पापी? सुना, अपने आप को क्या कहते हैं? पापी, बड़ा पापी। महाराज, अगर आप पापी हैं तो हम लोगों का क्या नाम रखा जाए? अरे भाई,
यही तो साधु पुरुष के लक्षण है। बोलो महाराज सत्यानंद की जय, स्वामी सत्यानंद की जय, महाराज सत्यानंद की जय। पांडन कैसा, आपने कुछ सुना? क्या है? कल रात 10:20 की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट 10:20 की ट्रेन का? हाँ, उसमें तो राजू था। राजू? राजू कहाँ जा रहा था? जा रहा था। यही वो आदमी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बेटा राजू, मौका मिला है। जब तक लोभी है लुटेरा भूखो नहीं मरता। अरे 5,000 रुपए चाहिए ना तुझे, है? जमा कर ले, फिर भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना। भूखो नहीं मरता। अरे 5,000 रुपए चाहिए ना तुझे, है? जमा कर ले, फिर भाग जाना, भाग जा, भाग जा। महानुभावो, जिंदगी एक समस्या बन गई है। कोई सुखी नहीं, सबके मन में असंतोष और दिलों में बेचैनी है। देश की हालत रोज रोज बिगड़ती जा रही है। इसमें किसका कसूर है? जो सत्ता लेके बैठ गया उनसे पूछिए। सत्ता के सिंहासन पर जो बैठे हैं, उन लोगों को हम ही ने बिठाया है लोगों की सेवा करने के लिए। मालूम है, रिश्वत दिए बगैर आजकल कोई काम नहीं होता। सब तो नहीं लेते, और रिश्वत देता कौन है? प्रपंची, लोभी, स्वार्थी, लोगों के गले काटने वाले अपने फायदे के लिए रिश्वत देते हैं। याद रखो, अगर लेने वाला गुनाहगार है तो देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। मालूम होता है, आप तो सरकार और सत्ताधीशों के वकील बनकर आए हैं। मैं तो आपका सेवक बनकर आया हूं। सिर्फ एक बात जताना चाहता हूं, हमने अपने जीवन में से एक अनमोल चीज को खो दिया है, और वो है चारित्र। तो क्या आपको सब दोस्त आम जनता में दिखाई देता है? आज की कठिन हालत के लिए एक दूसरे का दोष निकालने से काम नहीं बनेगा। सरकार आप ही है, सत्ता आप ही है। अपने चरित्र को मजबूत बना लो तो कमजोर सरकार को फेंक देने की सत्ता हासिल हो जाएगी। फर्ज और सेवा को अपने जीवन में अपना लो तो लालची और स्वार्थी सत्ता का सामना करने की ताकत पैदा हो जाएगी।
समझ में नहीं आता, इतनी सेवा भी कर रही हो और कैदियों की तरह इस कमरे में बंद भी कर रखा है। कमरे में? तू तो जिंदगी भर मेरे दिल में कैदी बनकर रहना चाहता था। फिर वही पागलों सी बात। मैं सच कहता हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा। फिर वही बकवास। चोट हाथ पे लगी है, दिमाग पे नहीं। आंखें वही है, नाक नक्शा वही है। राजू चिंता, तू किसके लिए मुझे धोखा देना चाहता है? चमेली के लिए? चमेली कौन है वो? तेरी फूल वाली। फूल वाली? लड़कियों से कोसों दूर भागने वाला मैं। हर खूबसूरत लड़की के पहलू में छुपने वाला तू? मैं पागल हो जाऊंगा। था ही, और मत बन। इस गांव में आपके सिवा मुझे कोई और भी जानता है? बहुत। पान वाला, सिगरेट वाला, इतर वाला, फूल वाली, पुलिस। ये कोई सपना है राजू, मेरा दिल न तोड़। ये साधु बनने का ढोंग छोड़ दे। धर्म कर्म से दूर भागने वाला तू महात्मा कब से बन बैठा? मैं तो एक प्रचारक हूँ, सेवक हूँ। अकस्मात हुआ। हाँ हाँ, ट्रेन में जा रहा था और साथ 5,000 रुपए का बैग भी था। बैग, रुपया, हाँ था, एक नौजवान भी था। बोले क्या तेरा बैग? ये तू कहीं भूल आया? वो मेरा बैग नहीं। ये तो मैं भी जानती हूँ। पुलिस बैग को और तुझे ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? क्यों? तू चोर है। मैं चोर हूँ? मैं प्रेमी हूँ, और क्या क्या हूँ? बदमाश, दफंगा, गुंडा, निकम्मा, आवारा, और सुनाओ। रोज यही बातें सुनता हूँ। अगर आपने मुझे बचाया है, उसके बाद मेरी सेवा भी की, इसके लिए मैं आपका एहसान मानता हूँ। बेलना कूदना, तूफान मस्ती करना, ये तुम्हारे स्वाभाविक लक्षण है। तोड़ फोड़ तुम्हारे हाथों से हो ही जाती है, तो भी अपना छोटा मोटा कोई भी कसूर छुपाने के लिए झूठ कभी मत बोलना। अगर हम सच बोल दें तो हम मार सकते हैं। तो मार खा लेना, मगर झूठ कभी मत बोलना। जब तुम्हारे माँ बापों को, तुम्हारे गुरुओं को इस बात का पता चलेगा कि तुमने सच बोलकर अपनी गलतियों को मानने की प्रतिज्ञा की है, तो विश्वास करो उनके हाथ तुम्हें मारने के लिए कभी नहीं उठेंगे। बोलो, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। भूखों मरना, मगर भीख नहीं मांगना, चोरी नहीं करना। जब तुम बड़े होगे, तुम में से कोई जवाहर बनेगा और कोई गांधी जी भी बन सकता है। तो क्या हम जवाहर बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। और सुनो, दुनिया का कारोबार झूठ और मक्कारी से चल रहा है। मैं चाहता हूं 10-15 साल के बाद तुम बच्चे हिंदुस्तान में एक नया जमाना पैदा करो, जिसमें झूठ और मक्कारी के लिए कोई जगह ना हो। बोलो, आज से हम चोरी नहीं करेंगे। किसी ने कुछ चुराया है? मैंने कंधों की यह पेंसिल चुराई थी। मैंने पड़ोसी की जेब से ये चप्पू चुराया था। तुम में से और कोई अपनी गलती मानना चाहता है? मैंने पिताजी की जेब से यह रुपया चुराया था। यह बाजा मेरा नहीं, किशन का है। महाराज, आपने कभी झूठ बोला है?
महाराज आपने कभी चोरी की है? हाँ, जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी गलती करता है, लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं। ओ साधु महाराज, राम नाम जप रहे हो क्या? माफ कर देना, इस गांव में कोई वैद्य डॉक्टर है? बहुत है, मगर यहां कैसे ले आती? मालूम हो जाता कि मैंने तुझे यहां छुपा रखा है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्यों, मुझे क्या हुआ है? आपको प्रेम रोग की बीमारी है। तेरी ही दी हुई है दीवाना, तू ढोंग कर रहा है कि अकस्मात में तेरी याददाश्त जाती रही। तू किसी को नहीं पहचानता, तुझे कुछ याद नहीं। ढोंगी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दूंगी। न पहलू में दिल है न मुंह में ज़बान है, मोहब्बत के कुछ और ही रास्ता है। न पहलू में दिल है न मुंह में ज़बान है, मोहब्बत के कुछ और ही रास्ता है। न पहलू में दिल है न मुंह में ज़बान है। Thank you.
मेरी माँ बीमार, आपका दर्शन करना चाहती। किसी वेद हकीम को बुला लो, ले ये पैसे। नहीं, माँ ने कहा है जब आपका दर्शन होगा तभी वो अच्छी हो जाएगी। मेरा दर्शन? मैं तो पापी हूं, मेरा साया पड़ते ही मेरी माँ अच्छी हो जाएगी। चलिए महात्मा, वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। अच्छा चलो। ये ले पान की पुड़िया, इतर का पाया और पीला हाथ। हाथी पीला हो या काला मैं क्या करूं? पी के जला अपना कलेजा जैसे मेरा जला रहा है। लच्छी, ओ लच्छी। कौन है? आती हूँ। चमेली, तू यहाँ क्यों आई है? आज तुझे बाजार में पान, इतर और सिगरेट खरीदते देखा तो मैंने सोचा लच्छी गजरा खरीदना भूल गई। गजरा? मैं गजरा किसके लिए लेती? इस गांव में और कौन गजरा बांधता है? पिवा राजू के। राजू? उस बदमाश लफंगे का मेरे सामने कभी नाम न लेना। लच्छी, मैं इतनी भोली और इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। जानती हूँ तू बड़ी सियानी है। किसने बुलाया था तुझे यहाँ? चल निकल यहाँ से, जा। ये ले अपनी चमेली का गजरा। चमेली? कौन है चमेली? उसे भी भूल गया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। धोखेबाज, तेरी झूठी कसमों का कौन भरोसा करेगा? सच्ची मोहब्बत की तेरे पास कोई कीमत नहीं। मुझे शक है लच्छी ने राजू को छुपाया है। राजू को कहाँ? भैंसों के तबेले में। दादा, आज तुम इस तरफ चले आए? यूं ही। राजू को कुछ पता, कुछ खबर? रजुआ, मेरे सामने उसका नाम मत लेना। नफरत करने लगी है? अगर मुझे पता चले तो सबसे पहले मैं ही उसे धरवा दूं। सच? अपनी कसम दादा, उस चोर को तो मैं जेल करवा कर रहूंगी। मुझे शक है कि वो इस गांव में कहीं छुपा हुआ है। हाँ? तो दादा चलो मुझे उसके पास ले चल। चल मैं उसके पास तुम्हें ले चलता हूँ। दादा इधर कहाँ? मुझे जरा इस कमरे के अंदर देखना। दादा, दादा, दादा वहाँ कोई नहीं है। तो फिर घबराती क्यों है? ए, नीचा, सुनता है? अच्छा हुआ आप आ गए। इस लड़की ने मुझे कैदी की तरह यहाँ बंद कर रखा। चलो मेरे साथ। ना राजू ना, ये तुम्हें हवालात में बंद कर देगा। क्यों? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? खास कुछ नहीं, सिर्फ राणा के 5,000। फिर वही बात, आप सब मानते हैं कि मैं राजू चोर? यहां कुछ मत बोलो, चलो मेरे साथ। राजू धर्म और सिद्धांतों में न मानने वाला, एक नास्तिक, मन मौजी, स्वच्छंदी नौजवान, धर्मात्मा बन बैठा, एक निकम्मा, बेकार, बदमाश,
जो अपनी जिंदगी को राह पर नहीं ला सका वो लाखों की जिंदगी पर काबू कर बैठा। जो बोल सुनने से मेरे कान पक जाते आज उन्हीं सत्याना बातों से मैं श्रद्धा और यकीन पैदा कर सकता हूं। गिरा हुआ मैं लाखों को उठाकर ऊंचा लाने की कोशिश कर रहा हूं। ईश्वर तू है या नहीं तेरी हस्ती को मैं अभी नहीं मानता, मगर यह चंबा जो तूने पैदा कर दिया है यही तेरी ताकत का पर्चा है, यही तेरी हस्ती का सबूत है। तो मैं सर्वशक्तिमान में तुझसे पूछता हूं, इसी नेक काम के लिए मुझ जैसे पापी की पीठ पर यह धर्मात्मा के लिबास क्यों डाल दिया? मैं पापी हूं, मैंने तेरी सेवा नहीं की, कभी तेरी प्रार्थना भी नहीं की। ओ भगवान, मेरे पापों की तुझे यही सजा देनी थी क्या? अपनी ताकत का पर्चा इस तरह दिखलाना था? बता बता तेरा क्या इरादा है? पर्दे के पीछे छुपने वाले आज तक तेरा घूंघट किसी ने नहीं हटाया, इसलिए वो तुझसे डरते तेरी मुरम्मत करते, लेकिन मैं तेरा नकाब चीर डालूंगा, तुझे नग्न से रूप में देखना चाहता हूं। मैंने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, मगर आज तेरे आगे घुटने टेकता हूं, हाथ जोड़कर पूछता हूं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या नास्तिक कभी आस्तिक बन सकता है? पापी के दिल का काला रंग धर्म की सफेदी से सज सकता है? प्रार्थना के बोल मैं नहीं जानता, तेरी खुशामद भी नहीं करूंगा, मगर इतना जानता हूं हृदय के सच्चे बोल, आंख के अनमोल मोती आंसू, आंसू तुझ तक पहुंचते तो ले, ले दरिया बहाता हूं इन आंसुओं का, जिसमें तू और मैं दोनों डूब जाएंगे। न मैं रहूंगा न तुझे रहने दूंगा, दोनों की हस्ती मिटा दूंगा, दोनों एक से हो जाएंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति त्वमां भक्त्या मयि देतेषु चाप्यहम्। सुना कर, कोई परमेश्वर पृथ्वी पर? लच्छी मुझे वहां ले चल, शायद ईश्वर को दया आ जाए। कल चलेंगे। महात्मा जी मेरा पांव ठीक कर दीजिए। ईश्वर की प्रार्थना करो। स्वामी जी मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, दूसरों को भी दर्शन करने का मौका दो।
स्वामी जी प्रणाम। आप यहाँ क्यों आई? इस वक्त रात्रि के समय अंधकार में अकेली। आप अंधकार से डरते या औरत से, एकांत से या अपने आप से? मैं किसी से नहीं डरता, मगर अंधकार में भी पापों की परछाई दिखाई देती है। वो पाप बहुत गहरे होते होंगे। हमारे पास इस वक्त आने का मतलब? सुना है हर मुश्किल सवाल का आपके पास आसान जवाब रहता है। बन सके उतनी मदद मैं कर सकता हूँ, मगर सुबह आपको सबके साथ। स्वामी जी, गिरते को बचाना आपका धर्म है। अगर उठाने के लिए आपने हाथ बढ़ाया तो विश्वास रखें आप नहीं गिरेंगे, मगर किसी की आत्मा का उद्धार हो जाएगा। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आपका क्या सवाल है? मैं स्त्री हूं, अकेली, लाचार, मोहताज। अगर पुरुष बेवफा बने, दगा दे, निर्लज बन के छोड़ दे तो? प्रेम और इश्क की पहेलियां सुलझाना मेरा काम नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि पाप और बेवफाई, प्रेम और सच्चाई की लड़ाई में जीत किसकी होती है? बेशक प्रेम की, सच्चाई की। और जब झूठ सच्चाई का स्वांग पहनकर दम के पर्दे के पीछे छुपकर धोखा देना शुरू कर दे, तो उस लिबास को छीन कर, उस पर्दे को चीर कर झूठ और दम को नंगा कर देना चाहिए या नहीं? अपना अपना फर्ज अदा करना सबका धर्म, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है जब एक की खुशी अनेकों की भलाई के लिए कुर्बान कर देनी पड़ती है। जिसका मन इन बातों की गवाही दे रहा, जिसकी आत्मा सत्य की जीत में मानती हो, उसको खुद उसी रास्ते पर नहीं जाना चाहिए? सुनिए, अगर आप दलीलें करना चाहती हैं तो मैं आपसे कह दूं, मैं कोई शास्त्रीय पंडित नहीं, एक साधारण मनुष्य। मुझमें भी हजारों कमजोरियां हैं, कोई महात्मा या धर्मात्मा नहीं। पापी, पापी। अगर आपका ये इकरार सच्चा है तो इस ऊंचे आसन को छोड़कर नीचे आ जाइए, अपनी जगह। मैं आपके कदमों में गिरकर प्रार्थना करती हूँ। देवी, मैं इस मान के लायक नहीं। उठिए, मेरी आज्ञा है कि उठिए। अगर अपने आप को दुख देकर मुझे शांति दे सकती तो जाइए, चली जाइए यहां से। धर्मात्मा, मैं आपकी आज्ञा सर पे चढ़ाकर चली जाऊंगी, मगर न चैन और आराम मिलेगा मुझको, न सुख और शांति नसीब होगी आपको। जिस धर्म फर्ज सिद्धांत के लिए सहानुभूति, दया और प्रेम की कुर्बानी कर देनी पड़े, उस बेरहम बेमुरब्बत धर्म को दफना देना चाहिए। मैं समझता हूँ दुख से बेबस होकर आपकी जबान से आग बरस रही है, गुस्से से बेकाबू होकर आपका दिल आवेश में सब कुछ कह सकता है। अगर हम अपने फर्ज से बेरहम होते हैं तो ऐसी सखी आत्मा औरत तो दया का अवतार है, सब कुछ माफ कर सकती है। मैं आपसे विनती करता हूं, धर्म के नाम पर, दया और प्रेम के नाम पर यहां से आप चली जाइए, मुझे छोड़ के दूर, बहुत दूर। जाके ठुकराई हुई आपके चरणों में अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े रखकर, मगर आप जरा संभल संभल कर चलिएगा, आहिस्ता कदम, क्योंकि एक एक टुकड़ा चीख चीख कर रोएगा।
कहे उनसे जाके हुजूर। हथेली पर चाकू के घाव का निशान है। मेरी हथेली पर निशान? तो देखिए, खोल डालिए इसे, तोड़िए इसे और देख लीजिए। डॉक्टर की इजाजत के बगैर मैं नहीं खोल सकता। तो बुलाइए डॉक्टर, अभी बुलाइए, इसी वक्त बुलाइए। मैं कहता हूँ देख लीजिए, मैं चोर नहीं हूँ महाशय, मेरा नाम राजू नहीं। स्वामी जी, आपके चरणों में रख देता हूँ। ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा नहीं, कई रोज पहले रेलगाड़ी का अकस्मात हुआ था, तो वहां से मुझे मिला। तुम गरीब हो फिर भी रात को मुझे नींद नहीं आती है। कानों में कोई कहता है कि तू चोर है, चोर है, चोर है। उस चोर को तू अपना देवता समझती है? मैं उसकी पुजारी हूं। तेरे देवता का दिल पत्थर का है, पत्थर का। अगर मेरी पूजा में भावना है, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो उसकी पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दूंगी। तो जा, बैठी रहे वहां रात रात भर ठंडी में। जब रात सुनसान होती है तो मेरी एक एक चित्कार उसके दिल के तार को झंझना देती है। उसके मन में आग लगा देती है। Thank you.
चार रात्रि से आप यहां आकर बैठती चुपचाप और फिर सुबह होते ही चली जाती है, क्यों? मुझे यहां शांति मिलती है लेकिन मैं परेशान रहता हूं। आश्चर्य, शांति बांटने वाला खुद अशांत। सुना है चोर और भोगी को नींद नहीं आती, आप तो योगी हैं। तुम्हारा इस तरह यहां बैठा रहना मेरी शांति में खलल डालता है। क्या डालो जो कहना चाहती हो? झूठ क्यों बोलूं? और सच कह भी नहीं सकती। सत्य हर हालत में बाहर आता है। तो सुनिए, मैं आपसे प्रेम करती हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। सच कहते हैं तो क्या आप मेरा प्यार स्वीकार करते हैं? मनुष्य को हर मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। इस बंधु भावना से मुझे कोई मतलब नहीं। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं तो इन चरणों की दासी बनकर रहना चाहती हूं।
स्वीकार कर लो बहरूपी, अपना असली स्वरूप बता दो। असली स्वरूप? मैं तुम हूं और तुम मैं हो। तो मिला दो दोनों को, समा जाने दो एक दूसरे में। शरीर का शरीर में समा जाना एक नहीं, वो वासना प्रेम है। आत्मा को आत्मा से मिलाओ। हट जाओ मेरे सामने से, अपनी पंडिताई की चादर मुझ पे न लपेटो। समझ में नहीं आता झगड़ा किस बात का है। झगड़ा है ज्ञान और प्रेम के बीच में। प्रेम भूल कर सकता है, ठोकर भी खा सकता है, ज्ञान रोशनी है, मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हारा ज्ञान स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, यही ना? तो सुन लो, मेरी मंजिल है मोहब्बत। प्यार स्त्री को अंधा कर देता है, मोहजाल में पुरुष को फंसाकर स्त्री गिरती है और गिराती है। निर्दयी, तुम्हारा पत्थर सा दिल क्या जाने मोह और प्रेम। आप क्या समझेंगे मेरे दिल की हालत? मैं गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूं। एक पाप की माफी दूसरा पाप करने से नहीं मिलती। पुण्य हासिल करने से पाप का बोझ कम होता है। वो हिसाब किताब आप जाने, मैं गवार अनपढ़ यही जानती हूं। जो पाप किया हो उसकी माफी मांगो, जिसके साथ किया हो उसका हक वापस कर दो। गुनाह मिटाने से मिटता है, पुण्य की सुनहरी सजावट से नहीं। दिल और आत्मा, फर्ज और मोहब्बत के बीच भंवर में फंसे हुए इस कामर जीव को थोड़ा सोचने का समय दो। आखिर जीत किसकी होगी? सत्य और प्रेम की। विश्वास दिलाते हो? झूठ और दम के पाए पर सत्य की इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती। अगर यही सनातन सत्य है तो मुझे अटल विश्वास है कि प्रेम की जीत होगी। प्रणाम देवता। नमस्ते। तुम कहते थे कि तुम्हारा नाम सत्यानंद है? जी हाँ। और ट्रेन में तुम किसानपुर जा रहे थे? जी हाँ, मैं एक प्रचारक हूँ। अच्छा। परेशानी सहता रहूंगा, मेरे सीने में भी तो दिल है। कहता कि ये ढूंढ छोड़ और जा जा, दौड़ जा अपनी प्रिया के पास। मेरी नसों में भी तो खून दौड़ रहा है और मजबूर करते कि लिपट जाती लच्छी के गले से। कब तक छुपा रहेगा इस साधु के भेस? एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। बेहतर है अभी सजा भुगत लो। लच्छी, लच्छी मैं राजू, तेरा राजू। मैं साधु नहीं, सन्यासी नहीं, महात्मा नहीं, मैं तो रंगीन राजू, शौकीन राजू। प्रेम मेरा देवता, मोहब्बत मेरी मन से। कहाँ हो तुम? अंधेरे में क्यों छुपे हो? बाहर आओ, मेरे सामने आओ।
स्वामी जी, आपने हमारे अंदर नव चेतन पैदा किया है। आप ही ने तो सिखाया है कि जिंदगी का दूसरा नाम है सत्य और आनंद। मेरी जिंदगी का नाम है मोहब्बत। धर्मात्मा, आप ही ने तो कल कहा था कि अनेकों की भलाई की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। मैं क्यों कुर्बान करूं अपनी खुशी को? तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारे नसीब में जो लिखा उसे भुगतो, हजार मेरे सामने से। निर्दयी महात्मा, सोती हुई जनता को जगाया, भान भूले को सच्ची राह दिखाया, डगमगती श्रद्धा को मजबूत किया, अब इन सबको ठुकरा कर भाग रहा है कायर। हजारों का विश्वास फिर चला जाएगा धोखेबाज, लाखों को फिर नास्तिक बना देगा। साधु सन्यासी को कोई नहीं मानेगा, ईश्वर को लोग फिर गालियां देंगे। तेरे दो, तेरे दो, वो तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर नहीं। न मान ईश्वर को, न मान धर्म में, मगर मनुष्यता को कैसे भूल जाएगा, इंसानियत को कैसे ठुकराएगा? इंसान अपना सुख ढूंढता है, इंसान नहीं जानवर। देख अंधे, आंखें खोल कर देख, ये मानव मैत्री दिल में श्रद्धा लेकर तेरी ओर आ रही है। अगर इन लाचार दुखी अपंगों को छोड़कर तू भागा तो कभी भी कहीं भी सुखी नहीं होगा। मुझे झूठी दया और रहम के बंधन में जीना बांधो, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जा जा, तुम्हारी सभाओं को कुचल कर, पंगों को धक्का देकर गिरा कर, तुमको सपना दे, झूठ की जगह कार बुला दे। ये मेरी आत्मा की आवाज नहीं। कौन है पालक? तेरी आत्मा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझने की कोशिश न कर, कर्म किए जा मन की आशा बगैर। मतलब? तेरी आत्मा सुखी होगी। मुझे झूठी दया और रहम के बंधन से न बांधो, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जा जा, तुम्हारी सभाओं को कुचल कर, पंगों को धक्का देकर गिरा कर, तुमको सपना दे, झूठ की जगह कार बुला दे। ये मेरी आत्मा की आवाज नहीं। तू कौन है पालक? तेरी आत्मा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझने की कोशिश न कर, कर्म किए जा मन की आशा बगैर। मतलब? तेरी आत्मा सुखी होगी। अंजाम? मनुष्य कोई भी मानवता को फिर प्राप्त करेगा। उसके लिए कहीं जगह नहीं, कोई काम नहीं। तो आप भी मानते हैं कि नौजवानों का इसमें कोई कसूर नहीं? मैं तो मौजूदा अलहड़ पर बेअदबी, बेपरवाही, बेजवाबदारी, बड़ों और औरतों का हंसी ठट्ठा, अपमान, गुंडापन। बंद कीजिए स्वामी जी, तोहमतनामा, वरना यहां से इज्जत से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। सच्ची बात सुनने का धीरज भी आप खो बैठे। सच्ची बात उन लोगों को जाकर सुनाइए जो कि इस हालत को जानकर इसका उपाय नहीं सोचते, इलाज नहीं करते। इस हालत का उपाय भी तो नौजवान ही है, इलाज तुम्हारी मनोदशा है। सुनिए, इस रोग का नाम है बेकारी, और बेकारी तब चलेगी जब हर नौजवान मेज कुर्सी पर कागज पेंसिल या टाइपराइटर पर काम करने में ही इज्जत है, इस समझ को छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम सब काम करने को तैयार हैं, अगर काम मिले तो रास्ते पे झाड़ू देने के लिए तैयार है। अरे काम दो, अरे काम दो। काम बहुत है। जिस देश में 35 करोड़ मनुष्य शक्ति है वो तो देश क्या क्या पैदा नहीं कर सकता। ईंट चूने की कमी नहीं, कुल्हाड़ा, कुदाली और हल चाहे जितने मिल सकते हैं। ब्रदरों, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी मनोदशा बदलनी होगी। मगर वो मनोदशा लेकर तो हम सबने जन्म नहीं लिया है।
कहते सब हैं, उपदेश देना कसूर निकालना आसान है। जो रात दिन काम के लिए भूखा प्यासा और निराश घूमता है उसके दिल से पूछिए। पूछ चुका हूं, मैंने भी तो ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। अगर मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के हालात बताऊं तो पता चल जाए कि जिसे आप लोग एक बहुत बड़ा साधु महात्मा स्वामी समझते हैं वो एक बदमाश चोर झूठ पापी मनुष्य है। मैं पागल नहीं, मैं इस ठग को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि एक बच्चोर है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, की तलाश में यहां आया। स्वामी जी आपको धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। जंगल के अंधेरे से बाहर निकालकर नई मंजिल दिखाई है। आप ही हमारी रोशनी है, आप ही हमारे राहबर हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण की जय। स्वामी सत्यनारायण की जय। ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जैसे महात्मा को भी रात दिन माला बुलानी पड़ती है? हम भी जाने अनजाने पाप किया करते हैं और हमारे छोटे पापों की सजा पड़ी होती है। ख्याल आता है आगे कभी आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला है। हो सकता हम ठहरे मुसाफिर। अच्छा नमस्कार। बता रहा है ये पुलिस चौकी नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। भगवान के बच्चे। राजू नौजवान, जो काम शायद मैं न कर सका वो तुमने किया है। आज मेरा ध्येय सफल हुआ, लेकिन मैं तो लोगों को ठग रहा था, उन्हें धोखा दे रहा था। नहीं, तुमने तो लोगों को एक नए जीवन की झलक दिखलाई है। चलते रहो उसी मंजिल की तरफ, लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे नई दुनिया बसाने के लिए। लेकिन पुलिस के लिए चोर मैं हूं। तुम्हारे छोटे से गुनाह की सजा मैं भुगत लूंगा। मान जाओ ना राजू। नहीं बच्ची, अनजाने में अचानक जो झलक मैंने देखी है मैं उसे नहीं भूल सकता। स्वामी जी आपके विचारों को मैं अपने जीवन में अपना लूंगा।
जेल से निकलते ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। राजू चलो, वक्त हो गया। भारत के नौजवान की नई तस्वीर, चारित्र, शिस्त और फर्ज का सच्चा सिपाही। वो है जो पाप करके पछताता नहीं। झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप। जब मैं जेल से छूटूंगा तो लोग कहेंगे, देखो देखो चोर बदमाश जा रहा है। समाज में मेरे लिए कोई जगह नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भुः, मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। राजू भैया पान। मैंने कहा आधा और से राजू साहब, चमेली का इतर। पीला हाथी राजू भैया। दादा उधार नहीं दादा, उनके दिन से जाते हैं हुजूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर। कौन कहे उनसे जाते हैं हुजूर। साधु महात्मा प्रणाम। मैं कोई साधु या महात्मा नहीं लच्छी, मैं तो राजू हूं।